प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक जबरदस्त और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर एनालिस्ट कमर चीमा, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत से मेजर गौरव आर्या जी और पाकिस्तान से साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। और ये दोनों बात करेंगे अपने अपने देशों के बारे में और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। अच्छा मेरे साहब, आपसे इस बात पर सवाल करना है कि तो आप क्या समझते हैं इंडिया के अंदर क्या एपेटाइट है कि इसको किस तरह आगे लेके जाया जा सकता है, और शहबाज शरीफ को कितना पावरफुल वजीर आजम समझा जा रहा है, या क्या आप समझते हैं कि कोई भी बात करे हमें इससे कोई एतराज नहीं है। कोई इस गवर्नमेंट के हवाले से आपके पास अगर कोई ऐसा कोई पर्सपेक्टिव हो इंडिया में जो आपसे शेयर करें। तारक साहब ने जो बात बताई, आपके देखिए आपको जब भी कोई चीज सॉर्ट आउट करनी है आपको बातचीत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा, आप जैसे आपने ट्रेड का हवाला दिया, अभी आपने बोला कि ट्रेड, अब देखिए बात यह है ना कि ट्रेड होगी तो आपकी बातें 10 किस्म की होंगी। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, देन यू कैन जस्ट सिट डाउन, आप भी यू कैन ट्विडल योर थम्स एंड वी कैन ट्विडल आवर थम्स, फिर तो ऐसे चलता रहेगा। इसमें एक और चीज है, ये जो बातचीत का सिलसिला बंद करा था ये खान साहब ने बंद करा था, इंडिया ने, इंडिया की तरफ से मोदी जी ने बंद नहीं करा, ये खान साहब ने बंद करा सिलसिला। तो ये तो पाकिस्तान की तरफ जिसने बंद करा है ताला, वही चाबी तो उसी के पास है, हमारे पास तो नहीं है। हम तो नहीं कह सकते कि साहब आप हमसे बातचीत करिए। और जहां तक ट्रेड की बात है, ट्रेड तो हो रही है इंडिया पाकिस्तान में, दवाइयां जा रही हैं इंडिया से पाकिस्तान। शहबाज शरीफ क्या कह रहा है कि अगर आप दवाइयां ले रहे हो इंडिया से या दवाइयां खरीद रहे हो इंडिया से तो गेहूं भी खरीद लो, चावल भी खरीद लो। देखिए ना, खान साहब ने भी क्या करा कि आधी आधी चीजें करी, या तो खान साहब पूरी इंडिया से ट्रेड बंद कर देते कि साहब हमें इंडिया से कुछ लेना देना ही नहीं है, जब तक 370-35 से आप बहाल नहीं करते हम भारत से बात नहीं। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला दवाइयां ले लो बाकी सब चीजें मत लो, ये तो आधी अधूरी बात हो गई ना। ऐसी एक हल्के पिछले 2-3 साल से फीलिंग आ रही है भारत में, और वो होगा नहीं कभी, बट ये बड़ी स्ट्रांग फीलिंग है कि देयर इज ओनली वन रिलायबल पर्सन इन पाकिस्तान एंड दैट इज जनरल बाजवा। अब मैं पता नहीं, मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आया, बट दे आर सेइंग कि ही इज द ओनली पर्सन हु टॉक्स सेंस। और जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग्स हैं, 3 साल से जनरल कमर जावेद बाजवा की एक एक लाइन को यहां पे डाइसेक्ट करा गया है, उनकी टोन को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, वो किस तरीके से बैठे थे, उन्होंने क्या बोला है, एक एक चीज यहां पे लोगों ने, जो लोग इस पे नजर रखते हैं थिंक टैंक से, उन्होंने डाइसेक्ट करी है। एंड देखिए बात तो करनी है तो शहबाज शरीफ साहब से ही बात होगी, बाजवा साहब को थोड़ा ना फोन उठा के कोई बात करेगा, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज इन अ डेमोक्रेसी, राइट। बट यहां पे बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है अमंग सर्टन क्वार्टर्स इन दिल्ली एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल क्वार्टर्स इन दिल्ली, दैट पिछले 3-4 साल में हमने पाकिस्तान से जो कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट वॉइस ऑफ सैनिटी जिसको कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में एक दिन आएगा जब मैं ऐसी चीज बोलूंगा आपके प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज फॉर मी ऑल्सो मैं बोल रहा हूं, मुझे थोड़ा सा अजीब सा ही लग रहा है, बिकॉज ही इज द चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। और जाहिर सी बात है चीमा साहब, लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश, पाकिस्तानी आर्मी हमारे लिए दुश्मन फौज है और उनके लिए हमारी इंडियन आर्मी दुश्मन फौज है, एंड जनरल कमर जावेद बाजवा इज द कमांडर ऑफ एन एनिमी आर्मी एंड जनरल मनोज पांडे इज द कमांडर ऑफ द एनिमी आर्मी फॉर यू। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सिर्फ जनरल बाजवा है हु इन पाकिस्तान टुडे इज टॉकिंग सेंस, हु इज टॉकिंग लाइक अ स्टेट्समैन। बिल्कुल सही है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सप्लीमेंट करूं तारड़ साहब, बैक इन 2019 I had an opportunity जहां पर जनरल बाजवा बात कर रहे थे, और वहां पे बाय द वे सारे पाकिस्तान के चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदर बैठे हुए थे, और मैं भी वहां बैठा हुआ था, और वहां पे पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, और जब से फौज ने थोड़ा इकोनॉमी पे बात करना शुरू की कि जी हमें इन चीजों को देखना है, तो तारड़ साहब मैं उस बैठक में बैठा था जो कि 4-1 घंटे की बैठक थी, जनरल बाजवा वाज सिटिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी और मैं भी उनके पीछे बैठा हुआ था। मेजर साहब दिस इज, आपने जो बात की बिल्कुल इसी तरह, एंड टू बी फ्रैंक इनफ उस बंद कमरे में बैठ के जनरल बाजवा ने एक ही बात की, दैट वी हैव टू ओपन अप विद इंडिया, और ये मैंने खुद सुना है, मैंने सुना है। लेकिन तारड़ साहब जो मैंने आपसे सवाल करना है, और उन्होंने कहा जी कि मैंने अपने लोगों को कहा, दीज आर द वर्ड्स मैं जो कह रहा हूं आपको मेजर साहब, फॉर यू एंड फॉर द अदर्स, उन्होंने कहा मैंने अपने लोगों से पूछा मुझे बताएं कि भारत से कारोबार करना या ट्रेड करना इज गुड फॉर पाकिस्तान और नॉट, तो उन्होंने कहा जी मुझे ये बताया गया दिस इज गुड, उन्होंने कहा देन वर्क ऑन इट, काम करें इसके ऊपर। तारड़ साहब सवाल यहाँ पे आपसे शुरू होता है, इंडिया ने तो गेज कर लिया
मामलात फिर कहां पे खराब है? अगर इंडिया बात करना चाह रहा था, जनरल बाजवा नॉर्मली हमारे कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट जो है वो रुकावट डाल दी। आप क्या समझते हैं इमरान खान का पॉलिटिकल एक्यूमेन कम है? सुनने में आता है कि इमरान खान अकेले भी बात नहीं कर सकते, इमरान खान जो है वो रुकावट थे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों इमरान खान रुकावट थे, क्यों मामला आगे नहीं चल सके, आप इसमें जरा हमें थोड़ा सा बताइएगा दार साहब। देखें, सबसे पहले तो मैं एग्री करूंगा मेजर साहब की बात से कि वाकई इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो भी कोई अच्छी बात आ रही है तो वो बाजवा साहब की तरफ से ही आ रही है, चाहे वो अमन की बात हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान से बाहर हो, भारत के साथ रिलेशनशिप और कई स्टेटमेंट्स। बिल्कुल, मैंने खुद भी उनको डाइसेक्ट किया कि बाजवा साहब इज बिहेविंग लाइक अ स्टेट्समैन, देयर इज नो क्वेश्चन इन योर माइंड। लेकिन अब मैं दूसरी तरफ बात आना कहता हूं कि जब बाजवा साहब इज इंटरेस्टेड, व्हाट इज द हर्डल, वो हर्डल क्या है? वो हर्डल हमने पिछले सालों में जो फसल बोई थी वो कट रही है। वो फसल हमने नफरतों की बोई थी, वो हमने रिलीजन कार्ड की बोई थी, वो हमने टीएलपी की शक्ल में बोई थी और आज फिर हम बो रहे हैं उसको अमर बिल मारूफ के नाम से। आज फिर हम उस मजहबी कार्ड को खेल के लोगों को एक ऐसे चीज के पीछे लगा रहे हैं जो कि इंतहाई खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। और वही आपने बात की कि जब इन चीजों को आप सामने लेकर आते हैं तो भारत के साथ ट्रेड करने के लिए आपके पास पॉलिटिकल कैपिटल बचता नहीं, क्योंकि आपने मुल्क के अंदर उनको, आप अफगानिस्तान की डायरेक्शन दे रहे होते हो उनको। अभी हमने कोविड का जो इम्पैक्ट था वो भी अभी कवर करना है, अभी इकॉनमी को कवर करना है। और इन हालात में तो इस वक्त दोबारा जो खान साहब ने किया है कि तीन चार जो कार्ड उन्होंने खेले बिल्कुल खतरनाक थे, रिलीजन कार्ड था, अमर बिन मारूफ खेल रहे हैं, गुलामी का कार्ड खेल रहे हैं, आजादी का कार्ड खेल रहे हैं और एंटी अमेरिका कार्ड खेल रहे हैं, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान को आइसोलेट कर भी दिया है उसने और मजीद करेगा। ये बिल्कुल नुकसानदेह है, इसको चाहिए कि जल्द से जल्द इस पे इनको या तो समझाया जाए या शरीफ ब्रादरन जो है इसके ऊपर कुछ स्टेप्स लें, लेकिन इसके बगैर गुजारा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, एक आखिरी सवाल तारा साहब आपसे करना है और वो जारी बात है अमेरिका और चीन के हवाले से करना है। आप कैसे समझते हैं ये पाकिस्तान किस तरह बैलेंस कर पाएगा अमेरिका और चीन के बीच में, जबकि इंडिया जो है उसके अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और चीन के साथ लड़ाई के बावजूद बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इन्होंने जो गलवान में हुआ, हम तारड़ साहब ये बैलेंस क्यों नहीं कर पा रहे और इंडिया आप क्या समझते हैं ये क्यों बैलेंस कर पा रहे? चीमा साहब, ये जो आपने क्वेश्चन किया इसका जवाब बड़ा कड़वा है। उसकी वजह ये है कि आपने सारे अंडे चाइना के बास्केट में नहीं डाले, आपके सारे अंडे जो होते हैं सिर्फ डॉलर बेस होते हैं। आपको अमेरिका से डॉलर आ रहे हो तो आपको उनके साथ रिलेशनशिप ठीक होते हैं, चाइना से पैसे आ रहे हो तो आपको उनके साथ रिलेशनशिप ठीक होते हैं, क्योंकि वीक फॉरेन पॉलिसी है कि भारत जो है वो रशिया से तेल भी ले रहा है और 2+2 भी हो रहा है उस साइड पे और सारी चीजें। ये क्योंकि अमेरिका वो इस वक्त बीमार है, उनके हालात नहीं है। डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन इन द यूएस इज इन डिक्लाइन, बाइडन साहब को इंटरनल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही हासिल नहीं है। अमेरिका में हिस्ट्री बन रही है कि अमेरिका का सदर जो पहले साल के अंदर ही अनपॉपुलर हो चुका है। तो इन सर्कमस्टांसिस में हर मुल्क जो है वो उसका फायदा उठा रहा है। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, बिल्कुल अफसोस के साथ, कि आपकी फॉरेन पॉलिसी, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब से पहले आपका 4 साल फॉरेन मिनिस्टर ही कोई नहीं था। खान साहब एक पोलिटिकल आदमी को लेकर आए जो अपना सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट की सियासत में इन्वॉल्व था, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद आपकी फॉरेन पॉलिसी कौन सी है कि जब आपको एक साइड से पैसे मिलना शुरू कर देते हैं आप दूसरे लोगों को गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये आपको मैंने पहले कहा था, एक चीज जो है पाकिस्तान को बिल्कुल जो खतरनाक तरीन है, नेशनलिज्म नहीं, कौमियत का कॉन्सेप्ट कोई नहीं, वो चाहिए सबसे पहले। चाहे इम्पोर्ट करनी हो तो वो भी करें, पाकिस्तान का बचने का सोल्यूशन सिर्फ यही है के नेशनलिज्म, पाकिस्तान फर्स्ट। उसी बात पे आप सोचेंगे तो चाइना के साथ भी आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे, आपके भारत के साथ भी रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी पे। आप ट्रेड भी करेंगे, आप डायलॉग भी करेंगे, लेकिन जब आप जातियात, करप्शन, पैसा, डॉलर, लंदन प्रॉपर्टी, दुबई प्रॉपर्टी पे सोचेंगे तो फिर कुछ नहीं। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। रमेशा की तरह मेजर गौरव आर्या जी और साजिद तारड़ साहब का ये पूरा डिस्कशन और इनके जो पॉजिटिव एनालिसिस हैं वो आपको काफी पसंद आए होंगे और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे दोनों ने अपने अपने देशों की बात की भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की और खासकर अपने अपने देशों की बेहतरी की भी बात की। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए
फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और जबरदस्त वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।